ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नमः शिवाय। आप सभी की मंगल कामना के साथ दुर्लभ सामग्री की एक और अति दुर्लभ वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज की इस अति दुर्लभ वीडियो में मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी मंत्र बताऊंगा जो केवल 3 शब्दों का है, और यह इतना शक्तिशाली, इतना प्रभावशाली है कि यह 24 घंटे, मात्र 24 घंटे में भी आपको असर दिखा सकता है, यदि करने वाला सच्चे मन से इसे करे तो। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से साधक हैं जिनके काम बहुत जल्दी हुए, किंतु कतिपय कारणों से वो मुझ तक पहुंच नहीं पाए या मुझे फोन किया तो मैं रिसीव नहीं कर पाया। लेकिन ये जो मैं आपको मंत्र बताने जा रहा हूं, इसको यथाउचित वैसा ही करिए जैसा मैं बता रहा हूं, और उसके बाद जो आपको परिणाम मिलेंगे वह आपकी सोच से परे होंगे। सर्वप्रथम, इस उपाय को कोई भी कर सकता है, कोई भी साधक कर सकता है अथवा कोई भी साधिका कर सकती है। इसमें किसी प्रकार की कोई बाउंडेशन नहीं है। यदि आप एक ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम है। यदि आप नहीं जीते तो भी आप इसे कर सकते हैं। यह मात्र एक मंत्र है जो चैतन्य है और आपके लिए हमेशा काम करता रहेगा जब भी आप इसे विधि पूर्वक करेंगे। और न जाने ही कितने लोगों के इससे काम बनते हैं, रोजाना मुझे फोन करते हैं कि गुरुजी हमारा काम बन गया, गुरुजी हमारा काम बन गया। ऐसे ही एक मेरे साधक हैं जो अति प्रसन्न हुए और उनका काम बना, और वो क्या कह रहे हैं मुझसे, मैं चाहता हूं इसको आप भी सुने, और उसके बाद मैं आपको एक ऐसा चमत्कारी मंत्र जो हमेशा काम करता है वह दूंगा, और उसकी पूरी विधि भी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से यह मंत्र आपके लिए कार्य करेगा और आपको क्या करना है। किंतु उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप देखिए, जो लोग विश्वास नहीं करते उनकी भी आंखें खुल जाती हैं जब चमत्कार होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। इसीलिए जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पहले आप इस साधक के मनोगत भाव सुनिए, उसके बाद मैं आपको सुनाऊंगा कि इस मंत्र को कैसे जाप करना है और कब जाप करना है। चलिए अब इस साधक की आवाज सुनते हैं और जानते हैं इन्होंने अपने जीवन में क्या परिवर्तन किया इस मंत्र के जरिए। कभी मैंने मतलब वो क्या बताया, वो मेरे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं वो कर सकता हूँ और उस चीज से मुझे मिल सकता है कुछ, जिसको मैं पाना चाह रहा था। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सुशील कुमार हुआ। अच्छा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं तो विकट डॉक्टर से बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाहते हैं आप, बताइए कौन सा काम बना? नहीं कुछ होता है ना कि जिसको आपसे छुपाना भी हमको थोड़ा अच्छा नहीं रहता ना, तो ये काम हमको सॉरी इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये काम जब मैंने ट्राई किया था तो आफ्टर देन 1 वीक मैंने उससे बात करना हुआ, और उसके बाद फिर मुझे मतलब मैं जो चाहा वो सब कुछ मिल गया। कितना आप मानिए, अच्छा, जो मैंने चाहा उतना सब कुछ मिल गया। क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ, भी डॉक्टर है, तो समझ लीजिए कि मतलब बहुत मुश्किल था और बहुत टफ था। तो मैंने उसको ट्राई किया, ज्यादा दिन तो मुझे नहीं लगा, मैं लगभग 1 वीक कोशिश किया था, बिलीव तो नहीं हो पा रहा था। लेकिन आप जैसे बोले थे कि नहीं बिलीव करना है, आप तो जानते हैं कि थोड़ा सा आदमी को ज्ञान होता है तो आदमी बिलीव करना छोड़ देता है, मतलब ऐसा होता है। लेकिन मैंने आपका बातों को सुनकर, वीडियो को देखकर के ऐसा लगा कि नहीं है, कुछ है इसमें है।
फिर मैंने ट्राई किया और बहुत मैं भूल चुका था, मैं छोड़ भी चुका था, विश्वास टूट गया था। तो मैंने ट्राई किया कि अब क्या करें, आपका तो स्वामी का वीडियो फिर एक बार मतलब लगा, मन से लगा, एक सप्ताह हुआ मतलब तो क्या हम बोले आपसे बात करके, आपकी आवाज को सुनकर हमको आशीर्वाद दीजिए। इतना अच्छा लगा कि अब मैं क्या बताऊं, वो ओम एम क्लीन वाला जो है ना जी जी, उसी का मैं जाप कर रहा था। कोई ज्यादा पूजा पाठ मैंने कर रहा था, बस बैठता था और मन से करता था। मेरा 10 दिन के अंदर में मतलब सब कुछ रियलाइज होने लगा। आफ्टर देन 5th डेज एंड 20 डेज मैं उस चीज को पाया और बहुत खुश हूँ। तो मैं सोचा आपसे कांटेक्ट करके आपको इन्फॉर्मेशन दो और बाकी जो भी हो आपका साथ मिले जी। ये बताइए कि आपने कैसे किया, बहुत सारे लोग अभी ये जानना चाहेंगे कि आपने कैसे किया। मैं तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। आप बोलते हैं कि 4 बजे जगना है सुबह में ब्रह्म मुहूर्त पर, बट मैंने उस समय भी नहीं जगता था। मैंने 4:30 के करीब में तकरीबन नींद खुलती थी, उसी समय जगने के बाद अपना सुगर जित जो नित्य कर्म होता है नहाने धुलाने के बाद आकर बैठ जाता और मैं ज्यादा कुछ नहीं, एक वो लुंगी होता है ना जी, लुंगी पहन के और उसको जैसे धोती पहनते हैं और वैसे बांध करके बैठ जाता था। सामने एक कोई कैलेंडर रख लिया था मतलब जिसमें पार्वती और भोले जी थे जी, तो वैसे रख लिया था मतलब कोई सामने होना चाहिए। मैं किस पे बिलीव कर रहा हूँ ये हमको समझ में नहीं आ रहा था। और एक अगरबत्ती जलाता था जी, मात्र एक अगरबत्ती जला देता था और बैठ करके 21 बार मतलब उसको उंगली पे काउंट करते 21 बार मैंने करता था। और मेरा काम मतलब एक सप्ताह के बाद मेरा काम होना स्टार्ट हो। पहले आपको लग रहा था जब आप विश्वास आपने नहीं किया था कि काम हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, कैसी आपकी स्थिति थी? हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, हाँ सर, पहले आपको कैसा लगा था, मतलब जब आपने काम शुरू किया था तो आपको लग रहा था काम हो जाएगा या नहीं होगा? मैं रियली बताऊं, नहीं लग रहा था कि होगा। सॉरी सॉरी, मैं मतलब भगवान कैसे बताऊं, मतलब मुझे बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि पॉसिबल नहीं था। इस चीज को आप समझ सकते हैं मैं बहुत कष्ट में था। अच्छा। और पॉसिबल ही नहीं था तो मैं कैसे कहूं कि हाँ मुझे बिलीव था, नहीं मुझे बिलीव नहीं था। लेकिन आज मैं 100% जो कि मेरे साथ में है। अच्छा अच्छा, तो कुछ ये मैं दावा कर रहा हूँ लोगों को जो ये सुन रहे हैं ऑडियो, उनको कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो यही चीज कहूंगा, ज्यादा कुछ देखिए, मैं भी मतलब हूँ उससे मैं ज्यादा कमेंट नहीं रखता हूँ। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप जो चीज बोलते हैं ना, जो चीज आप थोड़ा सा समय लेकर के बोलते हैं, थोड़ा सा वो लोग वेट करें जी। और वेट करने के बाद से मतलब आप जो बोल दिए आंख सीधे बंद करके और हर जगह जगह पे अपना दिमाग दौड़ाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं इस चीज को लिख करके दे रहा जी जी, कहीं भी दिमाग नहीं दौड़ाए कि हम यहाँ जाए वहाँ जाए, यहाँ पे पैसा लग रहा है यहाँ पे अच्छा हो जाएगा, वहाँ पे ये लग रहा है ये अच्छा, कुछ भी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा। बस आप जो बोल दिए वो समझिए कि मतलब बर्माश्त है। नहीं, ये तो आपने ज्यादा ही बोल दिया। मैं तो वही चीज बोलता हूँ जो चीज काम करती है। कुछ लोग कंफ्यूज है आप कुछ... कम... जी हाँ, वही दिक्कत है, जो कंफ्यूज है ना वही दिक्कत है। एक चीज पे बिलीव कीजिए और होगा, ये गारंटी। मैं जैसे विश्वास नहीं कर रहा था, हमसे तो कोई अंधविश्वासी होगा ही नहीं, मैं तो विश्वास ही नहीं करता था, ऐसे में मैं विश्वास नहीं रखता था आपको, मैं रियली बता रहा हूँ। और ना ही कभी ऐसा मैं सोचा भी नहीं था। लेकिन एक बार आपका वीडियो मैं देखा, 2 बार देखा, 3 बार मैंने ट्राई कर ही दिया। अच्छा, अब तो आपको विश्वास हो गया? जी विश्वास बिल्कुल, मतलब अभी जितने भी ऑडियंस सुन रहे होंगे ना, उनको मैं एक ही चीज यही एडवाइस करूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप जो बोल रहे हैं, एक बार ईश्वर को आप बोलते रहे कि उनको मतलब मन के अंदर रखना है, क्योंकि वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। उनके बाद आप जो बोले उस चीज पे, और बिलीव तो करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी थोड़ा दिन नहीं होता है, लेकिन आप जो बोले कि नहीं बिलीव करना है करना है करना है, आप इस चीज को समझाते हैं ना, ये सबसे मतलब इसको क्या बोलेंगे, कितना अच्छा पॉइंट है ना कि बिलीव करना है तो बिलीव रखना है, एकदम से जरूरी है। लोग चाहते हैं कि अभी क्या और कल रिजल्ट आ जाए, ऐसा चाहते हैं,
तो ऐसा अभी नहीं। के अभी के लिए उतना आप बिलीव कीजिए, हो जाएगा। अभी के अभी भी होगा, आप बिलीव अभी के अभी कर लीजिए। विश्वास ही तो नहीं अभी के अभी आप नहीं, तो विश्वास नहीं हुआ तब तो पॉसिबल नहीं, लेकिन अभी के अभी जैसे आप बोल रहे हैं अभी के अभी मेरा काम बन जाए, तो अभी के अभी आप इतना विश्वास कर लो कि ये पत्थर है इसमें आग निकलता है, तो ये पत्थर है तो आग निकलता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी के अभी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन मैंने मुझे 2 दिन विश्वास नहीं हुआ, तीसरा दिन से जैसे मैंने विश्वास किया, मतलब मैं क्या कहूँ, एकदम से फोन बजना ये करना, मतलब ये नहीं होने वाला था, पॉसिबल ही नहीं था। गुरु जी मैं अपना चरण के धूल अगर अपने सर पे रखूँ वो भी कम है, नहीं सर मतलब पॉसिबल ही नहीं था, इस चीज का बिलीव नहीं कर रहा ना, ऐसे मैं भी बिलीव नहीं कर रहा था, पॉसिबल था ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, हो जाता है विश्वास, अगर हो तो सब कुछ होता है। अब ये यही चीज आप जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप खुश है ना? जी आपका आशीर्वाद चाहिए, और क्या चाहिए। एक चीज और मेरा थोड़ा सा एक चीज और हमको प्रॉब्लम हो रहा है जी, बहुत थोड़ा सा घर के घरेलू मैटर है ना जी, जी। तो मतलब उसमें इस चीज को लेकर के नहीं कि मैरिज हो, इस चीज को लेकर के नहीं, बस एक ही चीज को लेकर के हो रहा है कि थोड़ा सा लाइफ लाइन में इधर उधर हो रहा है, कहीं कहीं नहीं होता है घर परिवार में थोड़ा सा खटापन, यही चीज थोड़ा चल रहा है जी। तो अब मैं उसको कोशिश करूंगा फिर से एक बार आप, वो भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, वीडियो देख के जाप करिएगा, वो भी ठीक हो जाएगा आपको बिल्कुल। और एक आप नया वीडियो डाले हैं जिसमें कुछ सुनने के लिए बोले हैं ना जी जी, तो मैंने रात में देखा था, ऐसे तो समय नहीं मिलता है गुरु जी आपके आशीर्वाद करने, अच्छा ही है, लेकिन मैं रात में उसी को सुन रहा था, तो फिर फोन आ गया, मैं उसमें बात करने लगा। अच्छा। और उसको थोड़ा सा वो जो है ना उसको एक वीडियो बना करके छोड़ देते ना, तो हम लोग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, सोच रहा हूँ मैं भी डाउनलोड कर लेते हैं उसको। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात करके मेरा बहुत मतलब मैं क्या बताऊँ, जन्म सफल हुआ। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है, मैं भी एक इंसान हूँ, आप देखिए आप खुश होने चाहिए, आपका काम बनना चाहिए, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। नहीं और भी सभी लोगों को मैं यही कहूंगा, वो लोग विश्वास करें, पैसा कि मैं एकदम से बता रहा हूँ ना, 1 रुपया मेरा कहीं भी नहीं लगा है, 1 रुपया भी नहीं लगा है, और सिर्फ आप एक शब्द बोले थे विश्वास रखिए जी, मैंने मान लिया। चलिए आपका काम बना है तो मुझे आपसे ज्यादा अच्छा लगता है, जब आपका काम बनता है तो यकीन मानिए। ये चीज तो हर किसी को आप बताते हैं, अभी इसमें आप तो मतलब क्या बताएं, आप बैठे हैं, आपका आशीर्वाद है, समझिए आपका आशीर्वाद है, और मैं यही चाहूंगा कि थोड़ा सा और हमको गाइड चाहिए, कुछ ऐसा सारी आशीर्वाद बनाए रखें, उसमें नई नई चीजें अभी मैं लेके आऊंगा, जो कि नई नई हाँ। उपाय हैं जो हम खुद पहले ट्राई करते हैं, और वो जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तब आपको बताते हैं, तो इसी करके वीडियो में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि हम पहले उसको ट्राई भी तो करते हैं ना देखने में, इसीलिए वो थोड़ा सा लेट आती है वीडियो। बाकी गुरु जी मैडम थोड़ा सा अभी बैठे हुए हैं घर पे, घर पे बोले तो रूम पे बैठे हुए हैं, उनको अभी जब के लिए ट्राई मैं ही नहीं करने दे रहा हूँ, और डॉक्टर हैं तो उनको क्या बोलूं मैं, वो बार बार पूछते हैं कि मैं क्या करूं मैं क्या करूं, मैं तो बोला कि मैं यहीं से जॉब किया था, और आगे मैं गुरुदेव से पूछूंगा कि हाँ उनके लिए वो क्या जॉब करना चाहते हैं क्या। हाँ जॉब करना, डॉक्टर है ना, तो सोच रहे हैं कि कहीं इम्प्लाई हो जाए, नहीं तो मतलब वो कुछ ऐसा अच्छा मिल जाए, तो हम बोले ठीक है अभी बैठो फिर मैं पूछ करके बताऊँ। अच्छा तो मैं आपके लिए वीडियो दूंगा, उस वीडियो में सारा दे रखा होगा कि मतलब यदि कोई जॉब चाहता है या कुछ भी चाहता है अपने जीवन में और वो पाना हाँ। चाहता है तो उसके लिए उसका जाप करें, अभी नई नई वीडियोस आएंगे और वो जरूर देखिएगा, बहुत कुछ आने वाला है। बिल्कुल मैं हाँ मैं विश्वास नहीं कर रहा था, लेकिन आजकल में जो भी है, ये चीज मैं अपने 10 दोस्तों से कहा, जिसमें से 3 आदमी का और काम बन गया, वो लोग तो और खुश थे, आप फोन ही नहीं रिसीव कर रहे हैं, क्या करूँ मैं इतना बिजी होता हूँ, देखिए आपका काम बन गया, अब 10 और फोन करते हैं, अब उनका काम बन जाता है, फिर 10 और फोन करते हैं, तो इसी में मैं घूमता चक्कर में रहता हूँ। 3 मेरे दोस्त का और काम बन गए, वो लोग भी फोन करने वाले हैं, कर रहे हैं, नहीं ट्राई हो रहा है, फिर मैं आपको व्हाट्सएप से कॉन्टेक्ट करते हैं, आज फोन कर लेंगे, आज मैं फ्री हो गया हूँ तो आज मैं बात कर लूंगा। देखिए आपकी वजह से उनके काम बन गए, तो आपकी वैल्यू कितनी बढ़ गई उनकी नजरों में। नहीं आपका मेरा कुछ नहीं, हम लोग दोस्त ही हैं, अपने देखिए बिल्कुल माध्यम तो आप बने हैं ना, आपके थ्रू उनको चीजें मिल रही हैं, कहीं ना कहीं आपको फल मिलेगा, क्योंकि जो दूसरों की मदद करता है ऊपर वाला उसकी मदद खुद कर देता है।
जी आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक बार आप अपना नाम बता दीजिए और आप कहाँ से बोल रहे हैं ये बता दीजिए। मैं सुशील कुमार बोल रहा हूँ, मैं कर्नाटका से बोल रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और इसी तरह से आप वीडियो देखते रहिए, कुछ भी समस्या हो तो जरूर फोन करिएगा। ठीक है जी, रिसीव करने के से आप आशीर्वाद दीजिए कि रिसीव कर लेंगे और आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद साथ है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। ठीक है ठीक है, ऑडियंस से एक चीज और बोलूंगा कि कोई चोर चुहार और दूसरे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, इसको ऐसे देखना विश्वास करें। मेरा मतलब ये रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से। बहुत सारे लोगों ने तो मेरे नाम से चैनल भी खोल रखे हैं, आप अगर देखेंगे तो बहुत सारे फेक। नहीं, ये एक है दुर्लभ सामग्री, इसी से सिर्फ देखे, मैं दूसरा मैं नहीं जानता हूँ, वो करोड़ों दुनिया में लोग हैं, मैं उसको नहीं जानता हूँ। एक दुर्लभ सामग्री है ना, इस पे एक रुपया भी नहीं लगेगा, और चोर चूहार में तो जाए नहीं। ये दसों मेरे दोस्त फंसे हुए थे, बताइए तीन का काम हो गया, और अगर सात आदमी कर लेगा विश्वास में, उन लोग का भी काम होगा, मैं बोल रहा हूँ पक्का हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल काम होता है। ये जो थे जो चीजें हैं ये हमारे ऋषि मुनियों ने डिस्कवर की थी। अब क्या है एडवांस हो गए लोग, तो लोग इन चीजों को भूलते गए। अब चीजों को भूलने से उनकी पावर तो खत्म नहीं होती ना, वो तो वैसी की वैसी रहती है, शक्ति तो वैसी रहती है, वो ऐसी है, अभी भी है। लोग भूल जाते हैं, गलती ये करते हैं सर। पैसा दे करके गुरुदेव वो लोग फंस रहे हैं, उन लोगों को तो मैं क्या कहूँगा, वो लोग दस दस पाँच पाँच हजार रुपया दे करके फंसे हुए, हमको तो मतलब कर्म भी आता है। उसकी चिंता मत करिए, उनको बोलिए मेरे चैनल पे आए और देखिए कैसे उनके भी काम बनेंगे। ठीक है, आप खुश रहिए हमेशा, आपके साथ में राशि। ओके जय गुरुदेव, आपका चरण मेरा सर। बस बस बस, आप खुश रहिए। ओके तो देखा आपने किस प्रकार से इनके काम बने, और अब जो लोग विश्वास नहीं करते थे वह भी मंत्रों की शक्ति के आगे नतमस्तक हो गए। वह भी जान गए कि मंत्रों की शक्ति में इतनी शक्ति है कि वह सोच बदलने की शक्ति रखते हैं, सोच बदलने की ताकत रखते हैं। जिस प्रकार से इनके काम बने हैं आपके काम भी बनेंगे। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको एक मंत्र जाप करना है, और वह चमत्कारी मंत्र है ओम ऐं क्लीम। इस मंत्र को आपको जाप करना है, सबसे उत्तम होगा आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाप करना है। आप चाहे तो 108 बार जाप कर सकते हैं, आप चाहे तो 21 बार भी जाप कर सकते हैं, दिन में केवल एक बार जाप करना है ओम ऐं क्लीम। यह बहुत ही चमत्कारी और चैतन्य मंत्र है। यदि आप इसको विधि पूर्वक करेंगे तो आपको परिणाम जरूर आएगा। आप किसी भी दिन इसको जाप कर सकते हैं, और समय कोई भी ले सकते हैं, किंतु ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय रहता है। सिर्फ अपने इष्ट को याद करके अपनी इच्छा मांग के इस मंत्र का जाप करें ओम एंड क्लीम। 121 बार, 108 बार या फिर 21 बार मात्र कर सकते हैं। यदि संख्या 100 से ऊपर होगी तो परिणाम आपको और भी अधिक जल्दी मिलेंगे। यह आपके विचारों के ऊपर निर्भर करता है कि आप अपनी तरंगे कहाँ तक फैला सकते हैं, और उसी के हिसाब से आपको फिर परिणाम मिलता है। मैं आपको मंत्र एक बार फिर बता देता हूँ ओम ऐं क्लीम। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करिएगा। कमेंट सेशन में आप लिख सकते हैं, बता सकते हैं जो भी आप हमसे कहना चाहते हैं। अगर आपका कोई काम बना है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज के ज़रिए बता सकते हैं कि गुरु जी हमारा यह काम बन गया। और अंत में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि ऊपर वाले को छोड़कर कहीं और दिल लगाया तो अंत में पछताना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय।